हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। गर्मी बहुत हो गई है और हमें ज़रूरत है लू से बचने की, गर्म हवाओं से बचने की। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी, इसको कहते हैं गौंद कतीरा। ये समर में यूज़ होता है और मैंने यहाँ बाहर निकाल के रखी है। ये देखिए, कुछ इस तरह की वाइट वाइट ये गौंद होती है। कभी कभी एक दो पीस येलो भी आता है, बट जो सर्दी के लड्डू बनाते हैं ना, ये वो गौंद नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है। और इसको अब हम दो तीन बार धो लेंगे और धोने के बाद हम इसको ऐसे बाउल में पानी में डाल देंगे। छोटे छोटे मैंने चार पीस लिए हैं और आपको दिखाती हूँ मैं 4-5 घंटे के बाद ये फूल कर कैसा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको यहाँ बताऊँ, ये गौंद अलग होता है, इसको गौंद कतीरा बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ये दिखाया है। और जो सर्दियों में लड्डू में डाला जाता है वो गौंद अलग होता है। तो ये गर्मियों में खाइए, लू से बचिए। आप ना इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। और ये देखिए कैसे जल की तरह ही बन जाता है, देखिए, है ना। पूरे बाउल में ऐसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, क्योंकि वाइट में वाइट नज़र नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, आपको मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, ये जल की तरह होता है बिल्कुल, है ना। तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर में, और इसको ऊपर से भी डाल के सर्व कर सकते हैं। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता। तो जो लोग ये पूछते हैं ना, इसको तैयार कैसे करें, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि इसको ऐसे रेडी करके रखना है और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवरनाइट सोक करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो कोशिश कीजिए जितना खाना है उतना ही भिगोइए, है ना। वैसे 4 से 5 घंटे में ये तैयार हो जाता है। तो ये है हमारा गौंद कतीरा, कैसे तैयार करते हैं। मैंने ना ये पूरा वाइट बाउल में से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप देख सकें कि ये कैसा है। तो आप इससे बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं, और मैं भी जो अपने चैनल पर डाल रही हूँ वो भी आप देख सकते हैं। गौंद कतीरा शिकंजी मैंने डाली हुई है, तो इससे हम और रेसिपीज़ बनाते जाएंगे। तो अब गौंद कतीरा से हम बनाने जा रहे हैं यमी सा मैंगो शेक, जिसके लिए हमने एक बाउल कटा आम ले लिया है। ये आजकल जो सफ़ेदा आम आ रहा है ना, बादाम आम, वो हमने लिया है। गौंद कतीरा है, साथ में ड्राई फ्रूट्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। सोक्ड एक ग्लास दूध है, कुछ आइस क्यूब्स हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मैंगो, हमने अभी इसमें शेक बनाया था, तो दोबारा से बना रहे हैं। और थोड़ा सा मिल्क, और इसको डालकर हम चलाएंगे। आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह का ब्लेंड हो गया है। अब हम बचा हुआ दूध भी डाल देंगे। वैसे आप एक गिलास दूध साथ डाल के भी चला सकते हैं। थोड़ी सी डाल रहे हैं हम इसमें शुगर, आइस क्यूब डाल देंगे, वो आप अपनी मर्जी से ठंडा कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये है हमारा गौंद कतीरा, है ना। अगर आप ऊपर से ऐसे नहीं खाना चाहते तो 2 या 3 चम्मच आप गौंद कतीरा इसमें डाल दीजिए और फिर एक बार चला दीजिए। और ये देखिए, हमारा ये यमी सा मैंगो शेक गौंद कतीरे वाला बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप करते हैं इसकी गार्निश। और ये देखिए, साइड में आप थोड़ा सा ये गौंद कतीरा भी सजा सकते हैं और चम्मच से मिला के खा सकते हैं। आपकी चॉइस है, जैसा आप चाहें। तो ये हमारा यमी सा शेक बनकर तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लू से बचने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।